चलो पहनो जल्दी जाके। वेल डन। कहाँ जा रहे हो? केकी लेने जाना है? हाँ। केकी लेने किधर जाना है? केकी ननी। ओके जल्दी से लगाओ। ओ हाँ इधर आओ। क्या हुआ? इधर तो देखो क्या हुआ। नहीं लग रही है। हाँ। ओ दिखाओ साफ हुआ। तुमको जानने से मुखड़ा हो गया। चले लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा आज का जो व्लॉग है वो है थोड़ा बहुत कोरोना से रिलेटेड और थोड़ा बहुत कुकिंग से रिलेटेड। कोरोना से रिलेटेड इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज जो है यूके में लॉकडाउन का पहला दिन है और सारी जो भी अननेसेसरी चीज़ें थी वो बंद कर दी गई हैं, सिवाय एसेंशियल्स को छोड़ के सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो आज मैं गई थी बाहर ग्रॉसरी करने, लेकिन इतना अभी भी जो है गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही, लेकिन लोगों के मुंह पर अभी भी मास्क नहीं लगे। यानी कि आधे से ज़्यादा रोड मैंने देखा लोग जितने जा रहे थे आधे से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। तो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसको जो है 50% लोग अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये लॉकडाउन जो है पूरा 1 महीने के लिए लगा है और 1 महीने के बाद देखेंगे कि अगर केसेस में कमी आई तो लॉकडाउन खुल जाएगा, अदरवाइज़ ये शायद क्रिसमस के बाद तक का जाएगा। और इसके जैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है डिप्रेशन हो रहा है। जिम भी बंद हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सरसाइज वगैरह का क्या होगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि घर में ही जो है एक्सरसाइज वगैरह करती रहूँ और इसको जो है रिकॉर्ड भी करती रहूँ। और सोचा भी ये कि एवरी सिंगल डे जो है मैं एक व्लॉग बनाऊँ जिसके अंदर अपनी जो डेली रूटीन की एक्सरसाइज वगैरह है जो कि मैं घर में कर रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी एनकरेजमेंट रहे और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन रहे और अचानक से मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रैक ना चली जाऊँ। और जितना भी इतने मसल वगैरह गेन किए हैं वो सब पानी में मिल जाए मेहनत और वापस से जो है मोटापे की तरफ चली जाऊँ। लेकिन कोशिश यही है कि खाने पीने को जो है थोड़ा सा कम किया जाएगा, हाथ रोक के खाया जाएगा, वही पोर्शन कंट्रोल वाली बात। और एक्सरसाइज डेफिनेटली घर में करनी पड़ेगी। अब एक्सरसाइज जो है एक तो रोप आ जाती है, वो मैं सोचा है कि स्किपिंग रोप जो है रस्सी कूदना जिसे बोलते हैं वो मैं रेगुलर करने वाली हूँ। और उसके अलावा मेरे पास जो है बैंड्स हैं, वो 5 टाइप के हैं वो मेरे पास। उससे जो है काफ़ी टाइप की एक्सरसाइज हो जाती है मोरलेस। तो वो उनको जो है ना किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है और घर में रह के उनसे किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये जो है इंशाल्लाह इस पूरे लॉकडाउन में जो है ना हम लोग सीखेंगे भी। और मैं भी आपको बता दूँगी कि मैं घर में जो है किस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा आज जो है खाने के सबसे पहले तो ग्रोसरी समेट लूँ क्योंकि लेकर आई थी और मैं फिर खाने बैठ के ग्रोसरी समेटी हूँ तो उसको समेट लेंगे। अच्छा ये मैं राइसबेरी लेकर आई थी आज और आपको दिखा देती हूँ। चीज़ लेके आई थी, मैच्योर स्लाइसेस मैं 2-3 टाइप के लेकर आई थी। इसके अलावा फॉइल पेपर मेरा ख़त्म हुआ था वो लेकर आई, एप्पल्स। अरे मुझे मिला आज टक, पाकिस्तान में होता है ना। अच्छा टक जो है क्रैकर्स का जो है मैं इंशाल्लाह जाहिर है किसी दिन वीकेंड वगैरह का अगर नबील वीकेंड पे फारिग होता है तो चाय के साथ जो है ना आपको जब आप लेट नाइट बैठे होते हो फिल्म वगैरह देख लो तो क्रैकर्स के ऊपर चीज़ लगाओ और चीज़ लगा के खाओ, इतने टेस्टी लगते ना, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये मैं बनाना लेके आई थी, बनाना जो है थोड़े से मैं येलो लेकर आई हूँ और थोड़े से जो है ग्रीन लेके आई हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बड़ी जल्दी से जो है ना बनाना राइप हो जाते हैं, फिर राइप हो जाए तो उनको फेंकना पड़ता है। ये उन्हें भी चॉकलेट, लेकिन मैं उसको दिखाने वाली नहीं हूँ। अगर उसमें देख ली तो लाइन लगा देगा बटर बेकिंग के लिए। अच्छा जी और क्या लेकर आई हूँ मैं, ये रहा, ये उमर का फेवरेट केक है वनीला। इसकी वजह से आज वो मुझे घसीट के लेके गए कि मम्मा बाहर चलो। उसको उसकी तफरी जो है ना वो है ऐसदा जाना। ऐसदा जाके ना उसने बस इधर से उधर घूमना होता है और ये काम करना होता है। इसके अलावा ये देखिए ये मैं लेकर आई हूँ स्पंज, ये जो वर्कटॉप वगैरह साफ़ करने के लिए होता है ना वो है। मेरा ही शॉपिंग करके आ गया, मैं बिल्कुल सारे पैसे फंस लगी। ये है जूना बर्तन बांधने का, ये मेरे फेवरेट पेन से आए हैं भाई ऑल द वे, ज़बरदस्त। अंडे मेरे ख़त्म हुए थे वो लेकर आई हूँ सारे, और ये सारी चीज़ें मुझे जमानी है और जमाने के बाद जो है मैंने कुकिंग करनी है। कुकिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं शिमला मिर्ची बनाने वाली हूँ। शिमला मिर्चियों के लिए जो है ना मैंने आलू बॉईल करके रखी है और आलू बॉईल करके उसके अंदर मसाले वगैरह डालूँगी, सारी चीज़ें मैं आपको ऑब्वियसली इस रेसिपी बताऊँगी। और शिमला मिर्चियों के अंदर भर के और उसे हम करेंगे बेक। तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना ये चेडर चीज़ वगैरह मैं लेकर आई हूँ टॉप करके, और अवन के अंदर बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा। तो उसके अंदर फाइबर भी हो जाएगा और गुड कार्ब्स वगैरह सारी चीज़ हो जाएगी। ऐसे मेरे घर में बहुत खाई जाती है, बाद में आ जाती है। आज चाय के साथ थोड़ी सी चीटिंग होने वाली है, लॉकडाउन का पहला दिन है तो थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेशन चलती है। ये देखो मैं क्या लेकर आई, ये बोलते हैं पैना चौक। तो अभी जब नबील जॉब फिनिश करेगा तो चाय के साथ ये हम लोग नोश फरमाएंगे, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो खाने की तैयारी करते हैं, ये सामान मैं समेट लूँ क्विकली और फिर रेसिपी की तरफ आते हैं और जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, नवेट लेते हैं सारा काम। बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। और एक ठंड के बारे में तो मैंने आपको अपडेट दी नहीं, ठंड अचानक से बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ गई है। यानी कि मैंने हीटिंग सुबह से लगाई हुई है और अभी भी ये देखो मैंने जंपर पहना हुआ है। अच्छा ये जंपर जो है मैंने, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नबील का है। नबील बेचारे के कपड़े में इतने पहनती हूँ ना, वो परेशान हो गया है। मुझे लगता है अपनी अलमारी के अंदर किसी दिन ताला लगा देगा, क्योंकि उसके कपड़े जो है ना बड़े लूज़ लूज से होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मोटे होते हैं। मैं अपने लिए तो स्वेटर खरीदती नहीं हूँ और जो नबील के स्वेटर्स वगैरह होते हैं ना, कार्डिगन्स, वो मैं पहनती रहती हूँ। बेचारा परेशान हो गया, बोल रहा था अपने लिए क्यों नहीं खरीदती, मेरे कपड़े क्यों पहनती है। बट मुझे उसके कपड़े पहनने में मज़ा आता है, तंग हो जाता है बेचारा, लेकिन क्या करें, शेयर तो करना पड़ेगा ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलो अभी मैं ये समेटती हूँ क्विकली और फटाफट से फिर मैं आती हूँ। ऑयल ऐड करते थे 1-2 टेबलस्पून ऑयल, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं डालना। चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप क्वांटिटी और क्या क्या मैंने डाला है वो सारा मैं डिटेल में भी लिख दूँगी। अभी जो है मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ इसके अंदर, तो आप लोग देख लो। उसके बाद डालेंगे ये आधा टमाटर जो कटा हुआ, इसे आपने पकाना है जब तक कि टमाटर का पानी ना खुश्क हो जाए और थोड़े से गल ना जाए। टमाटर देखें थोड़े गल गए, अब इसमें जो है सारे ड्राई मसाले जो है वो ऐड कर लेंगे। मैं आधी टीस्पून कुटी डालूँ, जीरा, ये आधी चम्मच में डाल दें खटाई, जैसे पता है ना आमचूर का पाउडर वो है, आधा चम्मच चाट मसाला। मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, ये देखो। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ले लो भैया जितना लेते। ये हो गया रेडी। अब इसमें मैं डालूंगी मैश पोटैटो, इसका भुर्ता रेडी हो गया है। अब मैं शिमला मिर्चों को जो है देखिए मैंने पहले से इसके जो है ना हेड उतार दिए थे और ये अंदर से बिल्कुल खाली कर लिए हैं और तीन मैंने चुन के ब्यूटीफुल कलर लिए हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो, प्यारे लग रहे हैं बहुत। अब मैं इसके अंदर जो है भुर्ता भर, ये ऐसे दबा दबा के ना आपने यूँ करके भरना है, दबाना ज़रूरी है क्योंकि अंदर से ये पूरा होलो होता है ना तो अंदर तक चला जाएगा। ऐसे करके दबाएंगे पूरा फुल अंदर तक चला जाएगा। खड़ी हो गई, खड़ी नहीं हो रही। ये एक गई, ये दूसरी, अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, बाकी का भुर्ता रख सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। पराठा बनाने के काम आ जाएगा। ये ऐसे करके इसमें करीब से भी दिखा गया, सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। हो गया, मैंने फॉइल पेपर लगा दिया और ये रखेंगे एक शिमला मिर्च, दूसरी और ये रखेंगे तीसरी और इसको प्री हीटेड ओवन के अंदर 20 मिनट के लिए आप रख दो। ये फुली चारों तरफ से कुक हो जाएगी और चीज़ जो है वो भी प्रॉपर्ली मेल्ट हो जाएगा और ये रेडी हो जाएंगे और इंतहाई मज़ेदार भी बनेंगे। अच्छा, जो कि हमारे बड़े सरकार जो है वो सब्जियाँ खाने से जो है ना थोड़ा कतराते हैं, उनके लिए जो है मैं चिकन बना रही हूँ। बोनलेस चिकन मैंने लिया है ये 600 ग्राम और ये दुनिया की क्विकेस्ट तरीन रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ब्लेंडर के अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें अदरक, 1 छोटा टमाटर लिया है और 1 प्याज लिया। तीनों चीज़ों को बल्कि चारों चीज़ों को जो है पेस्ट बना लेना है। चारों चीज़ें मैंने ब्लेंड कर ली। ये 600 ग्राम चिकन के अंदर मैं डालूँगी सारे। चलो जी, मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दो, कोरिएंडर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर। उम्मीद जहान से मेरा बेटा। ये मिक्स करने के बाद मैं अभी हांडी आने रख के तेल डाल के ना उसको फिर भूनना है। चलो तो मैं हांडी इधर रखती हूँ, चलो बड़ा तंग करते हैं ये दोनों मुझे। रोको जो है मैं डालूँगी इसमें ये मैरिनेटेड जो चिकन है। अगर आपके पास टाइम हो ना तो इससे ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे, इतना टाइम नहीं है। हमारी जो है बोनलेस चिकन है बहुत तेज़ी से गल जाती है तो हमें इसे पूरी आंच पर पकाना है। जितनी देर में टमाटर और प्याज गलेगी उतनी ही देर में ये चिकन हो जाएगी। तो इसको बहुत तेज़ आंच के ऊपर आपने पकाना है और भून लेना है। भूनने के बाद आखिर में हम इसके अंदर जो है क्रीम ऐड करेंगे। वाह, ये देखिए इसका ऑयल जो है वो साइडों में आ गया। अब मैं डालूंगी इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो क्या है, क्रीम। अच्छा, क्रीम जो है मैं डालने वाली थी लेकिन मेरे पास डबल क्रीम की जो है वो थी नहीं, लेकिन मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो अभी मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। Did you ever try that? इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसको दूंगी 5 मिनट का दम। ये देखें, कलर चेक करें इसका, ऑयल भी आ गया है बाहर। अब लास्ट में हम गार्निश करेंगे इसमें हरा धनिया और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो आज के मेरे सारे काम निमट गए हैं और शाम की चाय जो है उसका वक्त हो गया। प्रोफेशन के साथ चाय में एंजॉय करूँगी। और आप लोगों से मिलूंगी मैं अपने अगले ब्लॉग में। तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल करना है। दुआ में याद रखना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। कोरोना का जो ये पीरियड है ऑलमोस्ट निकल गया है, पूरा हाथी जो बोलते हैं ना वो निकल गया, थोड़ी सी दुम रह गई है, ये दुम भी निकल जाएगी और इंशाल्लाह हालात बिल्कुल ठीक रहेंगे। बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई नाउमीदी की बातें करने की ज़रूरत है। जस्ट अपने आप को मसरूफ़ रखो। जैसे मैंने क्या हुआ, लाइक पूरा दिन मेरा कहाँ चला जाता मुझे पता ही नहीं चलता, और रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो अपने आप को बिज़ी रखो, दबा के बिजी रखो। घर में भी 1000 काम होता है, निकालने पे आओ। अभी तो मैंने निकाले नहीं है, अभी देखो 1 महीना है कितने काम निकलते हैं। बट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूँगी, जितने भी काम करती रहूँगी। और आप मुझे मोटिवेटेड रखें, मैं आप लोगों को मोटिवेटेड रखती हूँ। यही आप करते हैं इस पूरे महीने। और इंशाल्लाह वो सी सो यू गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।